उमा जी, हमने 90s के गाने इसलिए बताया क्योंकि जितनी भी ये बच्चे बैठे हुए इनको क्या पता, ये 2000 के बाद पैदा हुए हैं सारे। हम लोग 90s किड हैं, हमें पता हमारी स्ट्रगल क्या थी। हाँ, मैं सुबह 4 बजे उठ जाता था। क्यों? वो न्यूज़पेपर वाला आता था ना, मैं कहता था मैं कैच करूंगा। हाँ, वो मैं इतनी जल्दी जागता था, वो मुझसे कहता था कि तू इतनी जल्दी जागता था, हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूट करने चल दिया। मेरे माँ बाप को लगता था कि मेरे बेटा इतना अच्छा है, उसको देश विदेश की खबरें चाहिए। जब उन्होंने पहली बार मुझे मर्डर पिक्चर में जो मल्लिका शेरावत जी का पोस्टर आया था पेपर में वो काटते हुए देखा, उसके बाद सूजे होठ तेरे। 90s के किड्स की स्ट्रगल थी। आपको भगवान मिल जाएगा, आपको एक्टर देखने को नहीं मिलते थे उस टाइम पे बाजी। हम लोग ने पेट काट काट के ना पोस्टर खरीदे, अपनी पॉकेट मनी बचाते थे हम लोग और पोस्टर खरीद के लाते थे, तब जाके छोटे से दादाजी के बगल में एक बड़ा सा शाहरुख खान का पोस्टर लगता था। दादाजी कह रहे रहते मेरे घर पे, वो मेरी फोटो इतनी सी शाहरुख खान की इतनी बड़ी, जाओ सारे मन न जाके रहो। बस बस बस, हम शो को आगे बढ़ाएं। जो आज हमारे स्पेशल एक गेस्ट आई हैं उनको बुलाएं। बुलाओ बुलाओ बुलाओ, क्योंकि अब 90s नॉस्टैल्जिया की बात हो ही गई है, तो इनसे बेटर कौन हो सकता है? मेरे को ऐसा लगता है कि 30 साल के आसपास जितने भी लड़के हैं और आज तक के जितने भी लड़के हैं 30 साल के, वो जब भी इनको देखते हैं उनके मुंह से एक ही बात निकलती है कि मैंने प्यार किया। ओह माय गॉड, मैं चाहता हूं बड़ाई, मैं तो देखूंगा बस। वेरी ब्यूटीफुल, द वेरी गॉर्जियस भाग्यश्री। ओह माय गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऑफ ब्यूटी ऑफ। इनको लोग चिट्ठियां लिखा करते थे जो हमारी जानकारी है। उदय प्रताप जी का एक शेर है कि हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के। हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। और मोबाइल के जमाने के आशिकों को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। मेरे को बोलना तो ये चाहिए कि अब आग से खेल रहे हैं, बट आप हिमालय की आग से खेल रहे हैं। अरे यार, इनके बेटे ने तुम्हारी बायोपिक की है। मेरी कौन सी? निकम्मा। मैडनेस का एक अलग ही माहौल बना हुआ है, और अगर भाग्यश्री जी अलाउ करें तो इस मैडनेस के मसाले में थोड़ा सा तड़का हम और एक लगा दें, अगर आप कहें तो थोड़ा सा छौका लगाएंगे। जरूर जरूर। दो ही काम किए इन्होंने टोटल जिंदगी में, एक पिक्चर करी और एक शादी करी, और दोनों सुपरहिट हो गई। मुझे पता है आप राजघराने से हो, मुझे पता है आपको इज्जत अफजाई की बहुत आदत है, इसीलिए आज हमने आपके लिए सारे हाथी घोड़े सारे अरेंज कर रखे हैं। इंदर सूंड निकाल के महारानी जी को नमस्ते। क्या सुपर हिट थी मैंने प्यार किया, क्या सुपर हिट थी पिक्चर। सलमान भाई से आपकी उसमें शादी हुई और आलोक नाथ जी ने आपके जो है आपका कन्यादान किया और ऐसी विदाई करी आपकी कि उसके बाद आप लौट के ही नहीं। हम तो पहले एपिसोड में आपको बुलाने वाले थे, 6 एपिसोड निकल गए, हम कहते पता नहीं है कहां बंदी। सब कह रहे यंग है यंग है यंग है, चेहरे पे चमक इतनी है, चेहरे पे कोई एज नहीं आ रही है। अब चेहरे पे काम का प्रेशर ही नहीं होगा तो एज कहां से। सही है सही है। ये है जवानी में बुढ़े चेहरे, देखो ये लोन बैठा हुआ है, किस्ते बैठी, इंस्टॉलमेंट, कर्जे, बीपी। 1989 में आपकी पिक्चर आई थी और आप तब नेशनल क्रश बन गए थे इंडिया का, कितनी बेहतरीन बात है। मुझे भी आपके ऊपर क्रश आ गया था और प्रॉब्लम यह है उस टाइम मैं पैदा भी नहीं। बहुत नुकसान हुआ आपकी वजह से हमारी जिंदगी में। आपकी पिक्चर एक आई, डायलॉग इतने सारे फेमस हो गए, सारी हमारी जिंदगी में अप्लाई हो गए। मैं एक लड़की से प्यार करता था, मुझे लगा किस दिन प्रपोज करूंगा, शादी की बात करूंगा, है उससे मिलने गया, वो मुझसे कह रही हर्ष एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं होते। मैं खुश हो गया, मैंने कहा चलो इसकी तरफ से भी यहाँ है, राखी बांध के चलेगी मुझे। क्या लगा रखा था पिक्चर में, है नो सॉरी नो थैंक यू, नो सॉरी नो थैंक यू। मेरे दोस्त ने 10 साल पहले उधार लिया था, ना सॉरी बोल रहा है ना थैंक यू बोल रहा है, पैसे वापस कर रहा है।
जब भी मैं उससे कहता हूँ भाई मेरे पैसे का वापस करेगा, कह रहा जब मैंने प्यार किया टू आएगी। मैंने कहा मतलब कभी नहीं करेगी। सही में रॉयल फैमिली, आप अभी की इनकी फैमिली देखो, हिमालय जी भी एक्टर रहे हैं, ये भी सुपरस्टार रही हैं, दोनों बच्चे इनके एक्टर बन गए, चारों लोग आपस में एक दूसरे के ऑटोग्राफ लेके खुश रहते हैं। और इनके हस्बैंड का नाम हिमालय है, तो इनके बच्चे तो प्राउडली बोलते होंगे कि हम हिमालय की गोद में खेले। और मैं तो ये कहता हूँ बच्चे छोड़ो, ये खुद बोलती होंगी कि मैं हिमालय की गोद में बहुत। थैंक यू सो मच हर्ष, पर मेरा तो आपने कुछ किया नहीं, हिमालय जी का चिकन रोस्ट हो गया यहाँ पर। भाग्यश्री जी, आपने सलमान भाई से मैंने प्यार किया में ऐसा क्या प्यार किया कि वो उसके बाद से है, मतलब किसी से प्यार ही नहीं किया उन्होंने, मतलब उसके बाद से जब से मैंने उनको देखा ही है, या तो वो या तो फार्म हाउस में रहते हैं अपने, या ट्रैक्टर दौड़ाते रहते हैं, या जिम चलाते रहते हैं, ऐसा क्या हुआ है, मतलब मुझे कुछ जानना है। Guts, huh? Guts, Harsh, directly you've gone to Salman, sir. अभी अभी आया है ये, ठीक है, इसका टेलीविजन डेब्यू है, सीधा सलमान खान तक पहुंच गया। तू पहले जेठालाल की बात कर। अरे मैं क्या उन तक पहुंचूंगा यार, वो सूरज दरजादिया के साथ खुद यहाँ तक पहुंच गए हैं। प्लीज वेलकम सिद्धार्थ एस सलमान एंड गौरव एस सूरज दरजादिया। नमस्कार भाग्यश्री जी। नमस्कार। आप दोनों को देख के तो मेरे हिबड़ा में मोर नाचने लगा था। थेल्या, थेल्या। क्या बात, अरे भाग्यश्री जी आपने मुझे पहचाना? जी बिल्कुल, सूरज डर जाती है। जी जी। मैंने इतनी संस्कारी पिक्चर की है कि मैं जब इंटरनेट पे वाइन टाइप करता हूँ ना तो ऑटो करेक्ट में अजवाइन हो जाती है। वाह वाह। और मैं बैंकॉक टाइप करता हूँ तो अचानक से सर सो जाता है बनारस। गुमा जी, आपने अनुराग की पिक्चर से क्यों डेब्यू किया? आपको मेरी प्रोडक्शन से लॉन्च होना चाहिए था ना, क्योंकि असली माँ बहन की फिल्में तो हम ही बनाते हैं। जूते दो पैसे लो। भाग्यश्री जी, हमने आपके साथ पहली फिल्म कौन सी बनाई थी? मैंने प्यार किया। मैंने भी आपसे बहुत प्यार किया। अरे! किसी को बताना नहीं। लाई ला ला लाई 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 ला 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 लाई ला ला। अरे सलमान का फोन है, लगता है कोई जरूरी बात होगी, अभी काट देता हूँ। क्योंकि क्या है कि मुझे इम्पोर्टेंट काम से गेम भी खेलना है। मुझे गेम खेलना है। खत्म खत्म भाई, खत्म कर दिया, एंट्री पे खत्म कर दिया। थैंक यू। सांस फूल गई। अरे भाग्यश्री, जोरदार तालियां भाग्यश्री जी के लिए। क्या बात है। उमा जी, आपको बता दूं कि ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण ये है। अच्छा। क्योंकि हिमालय इनको देख देख के पिघल रहा है। और सूरज ने फोन लगाया। सूरज का सूरज सूरज। अरे प्रेम जी, कैसे हैं आप? अरे बहुत अच्छा किया, जो मुंह नाक मिटवा लिया, अब अच्छे लग रहे हैं। अरे मेरा मुंह इधर है। अरे अरे आइए आइए सूरज। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कैसे हैं आप? अधिकतर अधिकतर कैसे हैं? जी सलमान जी कहिए। तो सूरज जी, इतनी देर से मैं आपको फोन कर रहा था, आपने फोन क्यों नहीं उठाया? दरअसल बात है कि मैं बैंकॉक में फंस गया था। क्योंकि वो मेरा पासपोर्ट खो गया था ना। ओहो हो, फिर बड़ा मजा आया। नहीं दरअसल ये है कि मैं फिर दूसरा पासपोर्ट बनवाया, वो भी खो गया। दूसरा पासपोर्ट भी खो गया? हाँ, फिर मैंने तीसरा पासपोर्ट बनवाया, इस बार उन्होंने मुझे पासपोर्ट फाड़ते हुए देख लिया। फिर बहुत मजा आया उनको, क्यों मुझे पीटते हुए छोटे छोटे हाथों से बड़े बड़े मुक्के मारे। सूरज जी, आप इतना बुरी तरह फंस गए तो आपको कम से कम उनको बताना चाहिए था, मेरा नाम लेना चाहिए था वहां पे। अरे आपका नाम लिया तभी तो उन्होंने पीटना शुरू किया। तो गलत तरीके से नाम दे रहे, आपको मेरा नाम थाई भाषा में लेना चाहिए, सलमान खान। सलमान खान। क्योंकि जब तक मुझे नहीं बनती ना सलमान खान, तब तक पहचानते नहीं वो।
मुझे से आधा है, मैं सोच रहा हूँ कि अपने बाल कलर करवा लूँ। सूरज जी बाल है कहाँ आपके पास? अरे मैं छाती की बाल की बात कर रहा हूँ। इस पे ब्लू कलर कैसा रहेगा? छाती के बाल ब्लू कराएंगे जी, तो बगलों के बाल मजेंटा करवाना ताकि लोगों को लगे गंजा तोता चला आ रहा है। अरे ये सब छोड़िए, दिखता नहीं दिखता। मैंने आपको लेकर बहुत अच्छी फिल्म सोची है, टाइटल सोने के तो दिखता ना हो जाएगा। अच्छा, फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया। है? ये तो बना चुके हैं आप, लेकिन इस बार इसकी फीलिंग बहुत अलग है। मैंने प्यार किया ऐसा है। फिर इसके हिसाब से आपको हीरोइन भी नई कास्ट करनी चाहिए। जानवी कपूर कैसी रहेगी? नहीं नहीं बहुत पुरानी, नई लो, कोई भाग्यश्री लो। अरे कैसी बात कर रहे, इनकी फिटनेस देखिए, जिस हिसाब से उनकी उम्र घट रही है, पिक्चर खत्म खत्म होते होते कहीं बच्ची ने बन जाए वो। तो ये तो और भी अच्छा है, इस पे हम बनाएंगे भाईजान टू, इनको पीठ पे बिठा के पड़ोसी मुल्क छोड़ के आऊंगा। वाह प्रेम जी, ये की ना आपने रेस थ्री वाली बात। हद में रहना, हद में रहना मेरे साथ। दिखता नहीं। दोस्ती की है तो सुननी तो पड़ेगी। आइए ना सूरज जी, बैठिए। अगर आप फिल्म में भाग्यश्री को ले रहे हैं तो पहले सीन में उनके हाथों में नोटों का बैग होना चाहिए। क्यों प्रेम जी? अरे वो फिल्म में पैसे लगाएंगे तभी तो पिक्चर बनेगी। पैसों का हिमालय, हिमालय का पैसा है। वाह प्रेम जी, आपका आइडिया सुन के मेरे हिबड़ में मोर नाचने लगा था। थैया थैया। थैया थैया। लेकिन इतना बजट है तो मैं सोच रहा हूँ स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, पेरिस चलते हैं। इतनी जगह शूट कर रहे हैं? अरे उनका पैसा लग रहा है, घूम के आते हैं, बड़ी बड़ा मजा आएगा। दिखता ना दिखता। देखिए हम एक काम करते हैं, इनके पैसे सही जगह लगाते हैं, इस बार फिल्म में कबूतर का रोल बढ़ाते हैं। वो चिट्ठी नहीं देगा, डायलॉग भी बोलेगा। देखिए बात क्या है कि माफ कीजिए, हमसे नहीं होता है। आप समझ नहीं रहे प्रेम जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक था ना? इस बार चिट्ठी टफी के मुंह में होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि कबूतर भी टफी के मुंह में ही है ना इस बार। देखिए चिट्ठी कबूतर ही पड़ेगा, चाहे आप टफी का नाम कबूतर रख दीजिए। यार दूल्हे की सालियों, हरे दुपट्टे वालियों, कैसी बात कर रहे हैं आप? कबूतर चिट्ठी कैसे पड़ेगा प्रेम जी? कैसे? चिट्ठी निकालेगा, कहेगा क्या बात है। अरे अरे प्रेम जी प्रेम जी प्रेम जी, बैंकॉक के बहुत बड़े प्रोड्यूसर का फोन आया है। ओह माय गॉड, दिखता ना। शादी का दूल्हे की शादी हरी दुपट्टे वाली वो बजा लिया। हाँ कौन से सफी है? हाँ सलमान खान की बात हो गई है। हाँ देन ओके प्रोड्यूसर से बात हो गई है। ओके हम बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं। क्या बात है, क्या फिल्म है? थाई जान। क्या है? अरे इसमें आप एक थाई लड़की को कंधे पे बिठा के इंडिया के बॉर्डर पहुंचाते हैं। अच्छा क्यों? क्योंकि मैं उसको अपनी काम वाली थाई बनाना चाहता हूँ। क्या हो गया प्रेम जी? ये क्या कहानियां सुना रहे हैं, मेरे दिमाग में एक आइडिया। मुझे लगता है जी कहानी कुछ ऐसी होनी चाहिए, एक चींटी की कहानी। एक चींटी को दांत के कीड़े से प्यार हो जाता है। और चींटी दांत के कीड़े को बचाने के लिए जाती है तो दांत के कीड़े को कहती है इधर आओ। फिर दांत का कीड़ा कहता है निकालो मुझे यहाँ से, मैं फंसा हुआ हूँ इसके दांत में। आगे क्या होता है? चींटी दांत के कीड़े को पीठ पे बिठा के वहां से बाहर लेके जा रही है, और तभी वो एक तितली को बुक करते तितोला ऐप से। वहां तितली आती हुई हुई ये पीठ पे बैठो, दोनों को पीठ पे बिठाती है और परदेश छोड़ के आती है।
जहाँ पे उन्हें एक थाई ड्रैगन मिलता है। कहाँ मेरे पास? वहाँ चीटी बताती है, सुनो बाजी हम यहाँ खो गए हैं, मैं इस कीड़े से प्यार करती हूँ। कीड़ा कहता मैं थक भी गया हूँ, मैं थक भी गया हूँ। ड्रैगन कहता कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मसाज करवाता हूँ। थाईलैंड में कीड़े की मसाज होती है। आपके पैरों में दर्द है, प्रेशर हो केसर के, धीमे दबाओ धीमे दबाओ, कीड़ा मर जाएगा। उसके बाद वहाँ पे एक अरबी टिड्डा आता है, इसमें है मैं खहर जो घोड़े पे बैठ के आया। अरबी अरबी टिड्डा कहता बोले इसमें है मैं खहर बोले इसमें है पासपोर्ट की तरफ आजी। चीटी कहती हमारे पासपोर्ट खो गया है, हमारे पासपोर्ट बनवा दीजिए। वो पासपोर्ट ऑफिस लेके जाता है और वहां देखते हैं एक गंजा तोता, तीसरा पासपोर्ट फाड़ने की वजह से पिट रहा। ये पूरी कहानी आपने मुझे चिढ़ाने के लिए बनाई है ना? और सुनो घटिया आइडियाज, ये कैसी कहानियां सुना रहे हो? अरे दिखता ना। ये था हमारा मैडनेस का हमला, है ना? आपने तो इन दोनों के साथ काम कर रखा है। तो कैसा लगा जब तक ये सांस ले रहे, आप बताइए। मेरी अगले हफ्ते सूरज जी के साथ मीटिंग यही है। मैं नहीं मिल पाऊंगी अब। बात ही खत्म हो गई है। क्या लचक है दर्जातिया साहब आप पे? आपकी लचक पे तो हम सब कुर्बान। गौरा एक ठुमका। एक दिखता ना। Oh my God। पूरा पूरा डांस। आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा वहाँ पर। बट यार क्या किया है दोनों ने। Oh my God। दोस्तों आजकल के स्टार्स ने ना फैंडम देखा ही नहीं है। फैंस तो उस टाइम पे हुआ करते थे। मैंने एक बार न्यूज में देखा था, एक बंदा दिल्ली से मुंबई पैदल चल के आया, अमिताभ सर के घर के बाहर खड़ा हुआ है, डब्बा लेके कह रहा है मेरी माँ ने आपके लिए हलवा बना के भेजा है। अमिताभ सर इमोशनल हो गए, उन्होंने डब्बा खोला, कह रहे हलवा तो है ही नहीं है। कह रहे अब दिल्ली से मुंबई बंदा पैदल चल के आया, भूख तो लगती है, आदमी हलवा भी ना खाए। आजकल के फैंस अजीब से हैं। हाँ टैटू बनवा लेते हैं घर में बैठे बैठे, खुद ही बना दे रहे, अगले दिन नहाते हैं धुल जाता है, पता लगता है स्केच पेन से बनाया हुआ है। तो ऐसे ही एक फैन की कहानी लेके आ रहे हैं परितोष भाई एज ए भाग्यश्री जी का फैन। चेहरे पे रुआब है, ओह वाह 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 वाह, आंखों में है मासूमियत, चेहरे पे रुआब है, उम्र ऐसे बढ़ रही जैसे बढ़ती शराब है। जी बिल्कुल। उसी में से एक मैं फैन हूँ। और जब आप सारी चिट्ठियां लेकर आए, ये बोरी भर के सारी चिट्ठियां लेके आया हूँ मैं। और जब हम चिट्ठियां लिख रहे थे तो हमें पता ही नहीं था कि जिस जमीन पे हम ख्वाबों का महल बनाना चाहते हैं उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है। जिस सीट को देख देख के हम खुश हो रहे हैं उस पे किसी हिमालय नाम के आदमी ने रुमाल रख दिया है। कोई बात नहीं, ये आपको एक डाकिया चिट्ठियां दिया करते थे ना बोरी भर भर के, वो मेरे दादाजी थे। अब वो रहे नहीं, खर्च हो गए। क्यों? आप किसी का भाई किसी की जान की शूटिंग कर रही थी, उस समय उनके जान पे आ पड़ी थी। पिक्चर से पहले मेरे दादा रिलीज हुए, हालांकि उनको देखने ज्यादा लोग आए थे। अरे ये देखो भाई, ये रील वाली महारानी और ये रियल वाली महारानी, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। लेकिन भाग्यश्री जी भेदभाव नहीं करती हैं, ये भाग्यश्री जी हुमा जी को अपने घर पे बुलाती हैं। कहाँ? होली पार्टी के लिए। क्या बात कर रहे हो, होली बुलाती नहीं? हाँ हाँ, अरे अरे ये अरे यार गलत टाइम पे गलत फोटो लगा के तुम लोग डांट सुनाओगे। हमारी मैडम बहुत अच्छी हैं, आपको पता है हमारी मैडम बहुत कमाती हैं। बहुत कमाती? कितना कमा लेती हैं? नहीं नहीं बहुत कमाती हैं फिल्मों में। कितना कमा? कभी कभी आती हैं। अरे गाइस एक्सक्लूसिव रहना चाहती है ना। अरे ये नहीं कि फिल्म मिली कर लिया, वेब सीरीज मिली कर लिया, टीवी शो मिला कर ही रही हैं।
लूमा ये रोज मेरा हो रहा है कि भाग्यश्री मैम का हो रहा है, पहले ये बता दो। हाँ लेकिन ये देखिए, मैंने प्यार किया के टाइम से जितने आपके बारे में आर्टिकल छपे हैं वो सब मैं लेके आया, मुझे पढ़वाओ एक। और हम अच्छा अच्छा ही लेके आए हैं, अगर आप शो देखती हैं तो जानती होंगी। दिखाओ मेरे को न्यूज़ क्या आया। ये पढ़ो, ये पहली न्यूज है दैनिक जानवर की, भाग्यश्री जी को हाथी रखने का शौक है। खबरदार हिमालय सर के बारे में कुछ बोला तो। अरे हिमालय सर और भाग्यश्री मैम दोनों एनिमल लवर्स हैं, इनकी मर्जी, हाथी रखे, घोड़ा रखे, ऊंट रखे, पूरा चेसबोर्ड रखे, इनकी मर्जी। और सच में मैम हाथी है ना आपके पास? सच में हाथी है, सोच लो, लेवल देख रहे हो, सच में हाथी है। इधर पूरे सीजन का पैसा एक टाइम का गन्ना बराबर है। टाइम्स ऑफ कंगाल की न्यूज है। टाइम्स ऑफ कंगाल 2010 से भाग्यश्री का मैनेजर कर रहा है स्ट्रगल। भुखमरी ऐसी है कि अगर फनी लियोनी बर्गर का ऐड करती है तो सिर्फ बर्गर देखता है। इतना स्ट्रगल। पायल पिक्चर में देखने गया था मैं, थिएटर में पागलों की तरह हंस रहा था, हालांकि फिल्म कॉमेडी नहीं थी, मैं हेडफोन लगा के धमाल देख रहा था। क्या बात है, झूठे आदमी। भाग्यश्री जी तब धमाल रिलीज भी नहीं हुई थी, तब मोबाइल भी नहीं था। आपकी चोरी पकड़ी जाती। एक मिनट देखिए, मैडम की एक फिल्म आई थी राणा, क्या क्या याद दिला रहा हूं ना। उस फिल्म का कलेक्शन मुझे तब याद आता है जब मैं पेट्रोल पंप जाता हूँ, वो बोलते हैं ना जीरो देखो। मैम हमने इसकी कोई कवर लाइन नहीं बनाई है क्योंकि आप इतनी इंटेलिजेंट है, आप खुद मान चुकी होंगी बात सच है। पर अदा तो सच में कमाल है, आपको पता है इनको स्केच का शौक है, स्केच करने का शौक है। सबसे ज्यादा इनके स्केचेस लगे हैं कहाँ पे? पुलिस स्टेशन में। क्यों? चोरी के इल्जाम में चोरी करती हैं ये। अब उनको कौन समझाए कि दिल चुराने की FIR नहीं होती है। मैडम की फोटो डालने का टाइम आ गया, गाइस डालो मैडम की फोटो डालो। ये 200 फोटो में से एक सेलेक्ट किया, ये 50 फिल्टर मारे, ये झुर्रियां हटाई, ये ब्राइटनेस बढ़ाया, ये सब भी करते हैं। कैप्शन लिखना रह गया, बी नेचुरल बी योरसेल्फ। ये सब भी करती हैं? नहीं नहीं ये इनका नहीं है, मैं पार्ट टाइम हुमा मैम कभी फैन क्लब चलाता हूँ ना। एक मिनट, फोन आ गया। किसका फोन है? हेलो, हाँ सूरत घर जाते हैं जी। अरे क्या हो गया? हाँ हाँ मेरे सामने हैं, ठीक है मैं बात करता हूँ। मैंने प्यार किया 2 बना रहे हैं, मैम आप 20 दिन फ्री हैं? हाँ फ्री है। 20 दिन फ्री है, 20 दिन फ्री हैं, फ्री है। ठीक है आप आलिया भट्ट को ले लीजिए। आलिया को ले लीजिए, भाग्यश्री जी 20 दिन फ्री हैं, उनकी बिटिया ये संभाल लेंगी। क्योंकि जो बच्चे संभालती हैं वो सुपरस्टार बनते हैं आगे जाके। ये बताओ कि तुम इनके फैन क्यों? मैं इनका फैन इसलिए हूं क्योंकि ये सिर्फ ब्यूटी नहीं है, शी इज ब्रेन आल्सो गाइस। कैसे? बहुत शार्प है। इनको पिछले महीने फोन आया जामनगर से कि हमारे वहां परफॉर्म करने आई है, हम 50 करोड़ देंगे। तो 50 करोड़ क्या मना कर दिया इन्होंने? मना कर दिया, बोला इतना तो पैसा होता ही नहीं है। अरे भाई ये राजघराने से छोटा मोटा नहीं, राजघराने से। मैम धार्मिक भी बहुत हैं, मंदिर जाती हैं। अच्छा? हाँ, सोमवार को मंदिर गई आ गई, मंगल को गई आ गई, बुध को गई आ गई, गुरुवार को गई पकड़ी गई। कैसे पकड़ी गई? चप्पलें गायब हो रही थी। अरे हुमा ये बताओ, अमीरों से लेके गरीबों में बांटती हैं, राजघराने की हैं गाइस, राजघराने की हैं। और बढ़िया, और आपको पता है हिंदी, भोजपुरी, मराठी, तमिल, तेलुगु 5 भाषाओं में काम मांग लेती हैं। अपने लिए नहीं, दूसरे गरीबों के लिए, क्योंकि ये तो राजघराने की है ना। मैडम ने हर तरह की फिल्में की हैं, इन्होंने एक सस्पेंस फिल्म की है, सस्पेंस फिल्म भोजपुरी में थी, एगो चुम्मा लेला राजा जी। हाँ सस्पेंस इसलिए है क्योंकि एगो चुम्मा और हीरो 2 थे। वो 2 हीरो आज भी लड़ते हैं, मनोज जी कहते हैं मेरे बारे में बोले थे, रवि जी कहते हैं ना।
आप सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस डालती हैं, वो हम हमारे बहुत काम आते हैं वीडियोस, आपको हम एक आध दिखाते हैं। मैम ये हम भी करते हैं, बस फर्क ये है पांव दूसरे का होता है। उसमें क्या है, अब मजा का मजा, चार पैसे भी आ जाते हैं भाई, हम गरीब तो ऐसे ही सोचते हैं। एक हमने आपके बारे में बात पता की है कि हिमालय सर से आपको प्यार इसलिए हुआ क्योंकि आप मैथ्स में कमजोर थी। सही बात है, लेकिन ठीक उन्होंने सिर्फ केमिस्ट्री की है। तो ये लास्ट लाइन इस एक्ट की, इरशाद इरशाद, अर्ज किया है कि कमजोर रही हूं बचपन से गणित में, इसलिए इश्क हुआ तो बेहिसाब हुआ। बहुत बहुत अच्छा लगा और बहुत हंसी में, ये हंसी और जारी रखना। थैंक यू सो मच, सुपर सुपर, रियली वेरी गुड। ये सबकी बहुत टांग खींचते हैं, बट इतने प्यार से, मैंने इन दोनों को किसी की टांग खींचते नहीं देखा। मैम वी ऑल लव यू सीरियसली। ओह थैंक यू थैंक यू। आपने देखा, नोटिस किया, मुंबई में तो पता नहीं इतनी खुदाई हो रही, पता नहीं अंदर से दो चार मिट्टी हटाएंगे, मुझे लगता है मैंने प्यार किया कि दो चार कबूतर अंदर से निकलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग डरे हुए हैं, इन्होंने देख लिया ना कि ताजमहल इन्होंने पूरी कंस्ट्रक्शन कर दी थी, उसके बाद मजदूरों के हाथ काट दिए थे, इसलिए ये कोई काम पूरा करते ही नहीं, कंस्ट्रक्शन आधा ही छोड़ दे रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। आइए देखते हैं हमारे इन दो मजदूरों का क्या कहना है। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज हमारे अपने मजदूर केतन एंड कुशल। हम लोग वहाँ मजदूरों के चौक से निकले थे, हाँ। फिर से मजदूरों के बीच कहाँ से आ गए? अरे ये सोनी के मजदूर है। अच्छा। और वो उनकी ठेकेदार है। ओ माय होली वाटर्स, ऐसी अगर ठेकेदार होंगी तो हम तो ताजमहल बनाने के लिए तैयार हैं। भैया सुना नहीं क्या, जिन्होंने ताजमहल बनाया था उनके हाथ काटे गए थे और उनका तो बिरयानी बनाने का काम है। तुम्हारे जैसे बकरे रोज कटते हैं वहां पर भैया। ऐसी ठेकेदार अगर काटेंगी तो हम कटवाने के लिए तैयार हैं अपनी गर्दन। देखो भैया, हाँ? अमीरों के मुंह नहीं लगते, कहां है वो, झूठे हो जाते हैं। देखो अमीरों के पास ना बहुत खाली टाइम पड़ा होता है। अच्छा कैसे? देखो अभी हम काम कर रहे हैं, वो खाली बैठे हैं। अच्छा। अमीर लोग जो होते हैं ना भैया, हाँ। उनकी गाड़ी बहुत महंगी होती है। अच्छा। और जिस पर छत नहीं होती वो गाड़ी तो और भी महंगी होती है। अरे हाँ हाँ, हम देखे हैं उन लोगों का जो पका हुआ खाना होता है ना, वो तो महंगा होता ही है, जो खाना कच्चा होता है और ज्यादा महंगा। हैशटैग सुशी। क्या बात है? और इनके जो कपड़े होते हैं ना, जो सिले कपड़े होते हैं वो महंगे होते हैं, लेकिन जो फटे होते हैं वो और भी ज्यादा महंगे होते हैं। हमको एक बात बताओ, हाँ? ये अमीर लोग वो होते हैं क्या, थोड़े क्या बोलते हैं, बेवकूफ होते होंगे, हमें क्या, हम तो मजदूर आदमी हैं, खाए पिए सो गए अपनी ही बीवी के साथ। लल्लन यार तू बहुत बकवास करता है, तुम हम तुमको बता रहे हैं, तुम ज्यादा अमीर अमीर करके ना अपने गरीबी वाली वाइफ को ना डाई कर दे रहे हो। सारी भैया सारी, अपने लोगों को इधर आके खुदाई करनी है। हाँ हाँ। अब एक काम करो, खुदाई शुरू करने से पहले रेडियो में बढ़िया गाना लगाओ, क्योंकि मजदूरी का मजा तो म्यूजिक के साथ ही आता है। तुम जरा, हाँ। क्या इतना ज्यादा मजदूर टाइप गाना, हम गरीबों में भी क्लास होता है। हाँ भैया, क्लास वाला गाना होना चाहिए। एंटीना कहीं और घुमाओ। हाँ भैया यहाँ रेंज है, ये देखो यहाँ रेंज पकड़ी है। हम ऐसे बैकवर्ड मार रहे तो तुम आके फ्रंटवर्ड मार दियो हो। सारी भैया, ए दोस्ती का एक उसूल है मिस्टर। ए तुम पकड़वाए हुए हो, बैकवर्ड फ्रंटवर्ड, थोड़ा इस तरफ आओ, इस तरफ आओ, यहाँ रेंज पकड़ो, जल्दी आओ, यहाँ पे ढूंढते हैं। नहीं 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 भैया, यहाँ रेंज पकड़ लिया है।
ए भैया, हम तो इनको गरीब समझ रहे थे। ये तो भिखारी निकले। भैया हमको ना इनके साथ बैठना नहीं चाहिए। छोड़ो छोड़ो, बिना म्यूजिक के ही आज हम लोग अपना रोजगारी करेंगे, ठीक है? हम ये उठा लेते हैं। हाँ। तुम वो उठा लो। रेडी? हाँ जी। ए वन टू और थ्री। भैया कुछ आवाज आया क्या? हाँ आया तो है। कुछ है, देखते हैं भैया। एक सेकंड, क्या है ये? वाह! भैया! हाँ। डंबूक? है, डंबूक नहीं है, ये वो है अपना गंबूक। हाँ। इसमें क्या होता है भैया? इसके अंदर हीरे जवाहरात अशरफलियाँ। अशरफलियाँ? अशरफियाँ। हमको तो लगता है नया वाला माइफोन भी होगा इसके अंदर। माइफोन? भैया हमारे मन में जो चल रहा है क्या वही तुम्हारे भी मन में चल रहा है? हाँ, मन में तो हमारे भी वही चल रहा है कि हमारे भाग्यश्री खुल गए हैं। ओह माय कुरेशी। ए हाँ भैया, मुझको एक बात बताओ। तुम जो वो प्याज काटने के लिए चाकू लाते थे, हाँ, हाँ। लाए हो ना? भैया आज ही भूल गया मैं भी वो। कोई बात नहीं, मैं लाया हूँ। अच्छा किया भैया। ए दूर दूर हट, संदूक से दूर हट, मारो दूजा पर, दूर दूर हट। भैया मार दूजा तुरंत। भैया ये सही नहीं कर रहे हो भैया। अधिक 4 फीट दूर। चार क्या, हम 10 फीट दूर चले जाते हैं। ये संदूक, सच कहा है किसी ने, दोस्त पे विश्वास नहीं रखना चाहिए। कहाँ से खरीदे ये स्वॉर्ड? अरे खरीदी नहीं, खुदाई में मिली थी। देखो डिजाइन भी है। वाह वाह, दिखाओ जरा। अरे देखो मजबूत है एकदम। भाग दूर, भाग दूर, निकल जाए संदूक हमारे। तुम मार दू छापड़ बंदा गिर गिर सब आवी। सच कहा है किसी ने, दोस्त पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, धोखा दे देता है। एक क्या है ये? देखो हम बहुत गरीब आदमी है भैया। एक सेकंड, टाइम प्लीज। हम लोग इसको बांट लेते हैं। अच्छी बात है भैया, हम गरीब साथ में थे और हम अमीर भी साथ में होंगे। ये बात। बोलूं? हाँ भैया खोलो। बोलूं? ओ! ये क्या, इसके अंदर तो केवल एक चिट्ठी है। भैया केवल चिट्ठी नहीं होगी, खजाने का नक्शा होगा। पढ़ो पढ़ो भैया। जो कोई भी ये चिट्ठी को पढ़ रहा है और सुन रहा है, हाँ वही जो पढ़ रहा है और जो सुन रहा है, उसको बताया जाता है कि उसे 20 लाख रुपए। भैया कंग्रेचुलेशंस भैया। अरे मोरी भैया, माय होली वाटर। भैया दस दस, भैया दस दस। उसको 20 लाख रुपए अपनी मेहनत से कमा के, हाँ, राजगिरी के जंगल के गांव के गरीबों को देना होगा। और यदि वो ऐसा नहीं कर पाया तो मैं श्राप देता हूँ कि जैसे ही वो शैंपू लगाएगा शावर का पानी चला जाएगा। वो जब भी फ्लाइट की टिकट लेगा फ्लाइट में केवल टर्बुलेंस होगा। और भाई ये क्या हुआ सूर्यवंशम? टर्बुलेंस लग गया। भैया भैया ये सब हम कैसे सहन कर पाएंगे भैया, अब क्या करें? ये सब कैसे सहन, यार पता नहीं, जिसको सहन करना हो करे, मुझको तो पढ़ना आता है नहीं, मैं तो गवार हूँ ना। अच्छा है भैया हम गरीब है, आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, वरना आप ये पढ़ लेते और मैं ये सुन लेता। हाँ। अच्छा हुआ। देखो भाई सच बात है, चाहे भाग्यश्री हो या हुमा कुरेशी, हमारा हाल तो हर्ष गुजराल जैसा ही होना है। एक काम करो, तुम ही आओ खुदाई करवाओ। हाँ भैया।
बढ़िया, बहुत ही नायाब ये एक्ट था और बहुत मजा आया। टू गुड, आप दोनों तो गर्दा ही मचा दिए भाई। क्या बात है भाई, क्या अभिनय किए हैं आप दोनों। ओह आउटस्टैंडिंग गाइस, जोरदार तालियां। लवली लवली, क्या बात है। प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर कुशल भाई, केतन, थैंक यू। प्लीज स्टैंड हियर। देखिए ऐसा है कि दुनिया की जो सबसे फेमस डिश है ना, वो पता कौन सी है? धोखा है। हाँ, और इसे वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वीगन सब खा रहे हैं। और इसमें कोई मंगलवार नहीं है, कोई शनिवार नहीं है, सब चलता है। करवा चौथ पे बीवियां पूरे दिन व्रत रखती हैं, लेकिन धोखा वो भी खा सकती हैं। और क्या, जिसके लिए पूरा दिन भूखी प्यासी रहती हैं, हो सकता है वो कहीं और डेजर्ट खा रहा हो। ये धोखा आजकल ना स्कैम कहलाता है। ये हर जगह है, घर पे है, इंटरनेट पे है, बस इसमें कोई बात नहीं करता। इसलिए आज इस पे बात करने, इस पे अपनी कॉमेडी का एक ट्विस्ट चलाने आ रहे हैं, जिसका करते हैं लोग बेसब्री से इंतजार। प्लीज वेलकम हर्ष गुजराल। हाय हाय हाय, अपना इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देता है ना ये, बाकी सबका तो ऐसे ही दे देता है, मगर अपना इंट्रोडक्शन क्या देता है। ओ आप सरनेम गुजराल कर लो, आपका भी ऐसे इंट्रोड्यूस करें। चलिए बात करते हैं स्कैम्स की। एक समय था भाग्यश्री जी, शराफत का टाइम था और भलाई का जमाना था, लेकिन अब फ्रॉड का जमाना है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपके साथ हुआ है कभी कोई स्कैम हुआ है मैम, कोई ऑनलाइन फ्रॉड या कभी ऐसा कुछ? कोई करके तो दिखा है, मेरे सर के ऊपर तो हिमालय जी है ना। आपको नहीं पता, आपके साथ नहीं हुआ, रूमा जी के साथ हुआ है। हाँ, इनकी आईडी से मुझे परसों मैसेज आया कि मैं 5-स्टार होटल में खाना खा रही हूँ, 5,000 रुपए कम पड़ रहे, भेज दो मुझे। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने कहा कितने रुपए का बिल है, कह रहे 5,000 रुपए का ही। गाइस हर्ष बहुत अच्छा लड़का है, मैंने इसे फोन वाकई किया था, मेरे पास पैसे नहीं थे और ये आया था, मगर इसके पास भी पैसे नहीं थे। तो बेचारे ने वहां पे जितने बर्तन थे सारे धो दिए 5,000 रुपए के लिए। थैंक यू हर्ष, यू आर अ ट्रू जेंटलमैन, आई लव यू। उस दिन जाके तुम मजे हुए एक्टर बने। भाग्यश्री जी ने भी स्कैम किया हमारे साथ। पहली पिक्चर कौन सी थी आपकी? मैंने प्यार किया, इतनी बड़ी हिट थी, उसके बाद हिट देके हिमालय की तरफ निकल गए आप। जी नहीं, स्कैम बिल्कुल नहीं किया। मैंने प्यार किया के बाद मैंने प्यार किया। बहुत बढ़िया, क्या बात है, हिमालय मोह तो छुड़वा देता है। बच्चों के साथ भी स्कैम, हमारे साथ बच्चों में कितने स्कैम हुए। हमारे माँ बाप बचपन से कह रहे कि 10th कर लो, 12th कर लो, 10th कर लो, 12th कर लो, उसके बाद ऐश ही ऐश है। मैंने 12th खत्म करी, उसके बाद मुझे याद है मेरे बाप ने दोनों चीज कर रखी, आज तक मैंने इस आदमी को ऐश करते हुए नहीं देखा। अरे क्या बात। लेकिन स्कैम इतना ज्यादा, मतलब हमारे पेरेंट्स को लोग बेवकूफ बना रहे हैं। अगर आप देखो, हम लोग यहाँ रहते हैं बड़े शहरों में, यहाँ पे अगर कहीं रहते हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं छोटे शहरों में, अननोन नंबरों से फोन आ रहे हैं उनको स्कैम के। मेरे पिताजी को फोन आया पिछले हफ्ते कि आपकी 25 लाख की लॉटरी निकली, पागल हो गए कि मेरे बेटे से ज्यादा लॉटरी निकलाई मेरी। नाच रहे हैं वहां पे। वो तो जब उसने सामने से बोला कि 25,000 रुपए पहले आपको रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा गुजराल साहब, तब इनका डांस बीच में रुका। लेकिन वकील आदमी है ना, वकील आदमी को आप वकालत नहीं सिखा सकते। उससे कह रहे ये वाले 25 उस 25 में से काट के बाकी मुझे दे। और स्कैमर से कह रहे हैं कि ये 24 लाख जो है वो मुझे दे दो, तो वो कह रहा गुजराल साहब आपको मैच भी नहीं आती, 24 लाख 75,000 है। कह रहे बड़े दिल के आदमी, 75,000 टिप रखो, 5,000 हुमा जी को भेज देना होटल का खाना। और लेडीज स्कैम कर रही है, ऐसा नहीं सिर्फ जेंट्स, औरतों के फोन आते हैं मेरे पिताजी के पास। हाँ, एक टाइम पे मेरे पिताजी के पास एक लेडीज का फोन आया कि आपका जो डेबिट कार्ड है मिस्टर गुजराल वो ब्लॉक कर दिया, आप अपना 4 डिजिट का पिन बता दीजिए, हम यहाँ से अनलॉक कर देंगे। शरीफ आदमी मेरे पिताजी, भोला आदमी है, वकील आदमी, कह रहे लिखिए 4325। वो कह रही इससे तो कुछ खुल नहीं रहा, कह रहे कैसे नहीं खुल रहा, हमारा फोन तो रोज अनलॉक इसी से होता। वो स्कैमर औरत ने ना अपने स्कैम वाली चूड़ियां तोड़ दी फोन पे। कहती आज से मैं एनजीओ जाऊंगी, गरीबों की मदद करूंगी। तो मैंने कहा गरीब हम भेज देते हैं, परितोष है, इंदर है, कुशल है। मेरे को तो चोरों के सामने जलील कर चुके हैं मेरे पिताजी।
एक बार एक स्कैमर का इनको फोन आया, कहते कि आपका जैकपॉट निकला है, ठीक है अपना ओटीपी बताइए और बैंक अकाउंट नंबर दे दीजिए। पिताजी ने अकाउंट नंबर दिया, ओटीपी आया, उसके बाद मैसेज आ गया हमारे पास, इनसफिशिएंट अकाउंट बैलेंस 135 रुपये। वो कह रहे गुजराल साहब आपने 135 रुपये रखे, ये कौन सा अकाउंट है? कह रहे ये मेरे बेटे का अकाउंट है, इसमें सोनी में जो मैडनेस पे जाएंगे ना उसके पैसे आते। इस पे तो जोर जोर तालियां बजती हैं। और आजकल ना चोरों में ना वो क्रेज नहीं रहा है, आप देखो ध्यान से, चोर पहले के टाइम पे हुआ करते थे, मेहनत करते थे, छतें कूद रहे हैं, भीड़ों में घुस रहे हैं, मार खा के लौट रहे हैं, कोई फर्क। आजकल के चोर देखो घर में ऑनलाइन चोरियां चलवा रहे हैं। मम्मी को फोन कर रहे हैं कि आपका पति हमारे कब्जे में 5 लाख रुपए लगेंगे, मेरे पिताजी सामने बैठ के राजमा चावल खा रहे हैं। मम्मी कह रही चोर भाई साहब आप पैसे लेने हैं ले जाओ, लेकिन ये झूठी खुशखबरियां मुझे मत दीजिए। और क्या है ना कि ये तो बाहर वालों का स्कैम है, घर वाले कितना स्कैम कर जाते हैं। आप देखो कभी घर वालों को देखा आपने स्कैम करते हो? हर चीज मना कर देते। मैंने कहा क्रिकेट के लिए कुछ ले दो मेरे को, कि मुझे स्टंप्स वगैरह ले दो, कुर्सी लगा के दे देते। मैं कहता हेलमेट दे तो अपना स्कूटी वाला दे देते। मैंने कहा मुझे हॉकी खेलने का मन है, दादाजी की स्टिक दे रखी है। एक टाइम पे या तो हॉकी चल रही है तो दादाजी चल रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। दैट्स माय टाइम गाइस, थैंक यू सो मच, यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस। आज हर्ष की तारीफ नहीं करूंगी ना, क्योंकि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद मैं स्पीचलेस हो गई हूं ना। अगली बार का 5 स्टार का खाना मेरी तरफ से। पर वाकई जो हर्ष ने स्कैम कहे ना, सबके घरों में होते हैं, है ना? बिल्कुल होते हैं, मेरे यहाँ भी ऐसे ही होते हैं, जहाँ पे मेरे ससुर जी को ऐसे ही फोन आते हैं कि भाई कंप्यूटर में आप एक नंबर घुमा दीजिए, या फोन पे एक नंबर घुमा दीजिए, या बैंक अकाउंट दे दीजिए, और वही चीज होती है और दूर से आवाज आती है, नहीं रुक जाइए। ये नहीं वाली आवाज मैं रोज निकालती हूँ। दोस्तों मैं 8 साल का था जब मैंने प्यार किया देखी थी। भाग्यश्री जी आपके ऊपर तो सबको क्रश आ ही गया था, बट आपका जो वो आइकॉनिक सीन था ना जिसमें सलमान सर ऐसे बारिश में भीगते हुए आते हैं, अपनी मेहनत की कमाई हाथों में लेके आते हैं और आलोक नाथ जी से आपका हाथ मांगते हैं, मुझे लगा था मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ना यही सीन रिक्रिएट करूंगा। उस टाइम तो ये सीन रिक्रिएट हो नहीं पाया, हमारा ब्रेकअप हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ आज हम ये सीन रिक्रिएट करें। अगर आप भाग्यश्री बन जाओ और मैं सलमान बन जाओ, हमें सिर्फ आलोक नाथ चाहिए, और मुझे जहां तक लग रहा है आलोक नाथ आपके बगल में बैठा हुआ है। देखते हैं ये सीन रिक्रिएट करके क्या कमाल होता है। लेट्स डू इट। बेटी मैं तुम्हारा बाप आलोकनाथ। बाबूजी मैंने कहा था ना प्रेम अपना वादा पूरा करने जरूर आएगा। बेटी तुम इस प्रेम के पीछे क्यों पड़ी हो, ऐसा क्या है इसमें? बाबूजी एक बार आप इस प्रेम की तरफ देखिए, आपको भी इस प्रेम से प्रेम हो जाएगा। पेंट, पेंट, पेंट। क्या बात है। मेरा मतलब ये है कि ये प्रेम आपकी सुमन के लिए कुछ भी करेगा, कबूतर बन जाएगा पहाड़ से। वो अमीर है और तुम गरीब हो। आप आलोकनाथ बनी हो, थोड़ी देर के लिए हुमा कुरैशी छोड़ दो बहन। वैसे सुमन तुमने कहाँ दबा के रखी है? क्या अपनी उम्र आज भी 21 की लग रही हो तुम? एक बाप के सामने बेटी के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तो क्या मैं एक बेटी के सामने बाप के साथ फ्लर्ट कर रहा वाह 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 वाह। मगर ऐसा क्या है तुम्हारे पास कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दूं? मैं ये नोट लेके आया हूँ। ये देखो ये नोट कितने सारे हैं। ये तो गीले हैं। अरे तो बाहर बारिश हो रही है, ये भी मेरी गलती है। वाह वाह। अगली बार नहीं गीले होंगे नोट। अगली बार तो क्या करेगा? सिक्के लेके आओ। क्या है कार्ड के लिए तो एटीएम मशीन लगेगी ना? कहाँ एटीएम मशीन? एटीएम मशीन के लिए आपको हिमालय पे जाना पड़ेगा। प्रेम ये बाप इस बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देता है। दोस्तों हमारे देश में ना नौकरियां कितनी अच्छी अच्छी हो गई हैं, हमारे देश के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में कितने अच्छे हो गए हैं, आप लोग मानते हो? इसीलिए तो अप्रेजल अच्छे हो रहे हैं, इंक्रीमेंट अच्छे हो रहे हैं, और बच्चों के मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं।
हमारे पिताजी के टाइम पे क्या ही अप्रेजल हुआ करते थे यार। 500 रुपए मेरे पिताजी के बढ़ते थे और मेरे पिताजी 2500 रुपए की मिठाइयां बांट देते थे। हम परिवार को समझ ही नहीं आता था हमारे परिवार को कि हमने खाया क्या और कमाया क्या। हमारे घरों में माना जाता है कि अगर बाप के जो जूते हैं ना वो बेटे के पैरों में आ जाए ना तो बाप बेटा दोस्त हो जाते हैं, लेकिन जिस दिन बेटे का रिजल्ट आता है ना अगर नंबर कम आए उसी जूते से मार पड़ती है। तो भाग्यश्री मैम ऐसे ही इंक्रीमेंट और रिजल्ट की कहानी लेके आ रहे हैं हमारे बीच। प्लीज वेलकम हेमांगी एज मदर, इंदर एज फादर एंड सिद्धार्थ एज सन। हेलो हुमा जी। हाय। मेरी शक्ल खराब नहीं है, आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। और आज मेरी हालत वैसी है जैसी आपकी एक थी डायन की रिलीज पे थी। मतलब आपको भी पता था आपने क्या किया है, मुझे भी पता है मैंने क्या किया है। लेकिन आदमी तो अच्छा अच्छा सोचता है ना। वैसे मैं आपको बता दूं, रिजल्ट वाले दिन हमेशा दो आवाजें आती हैं, एक आती है वाह, दूसरी आती है तो मेरी दूसरी वाली आने वाली है। मेरा बाप पूरे साल ढीली पैंट लेके घूमता रहता है, रिजल्ट वाले दिन पता नहीं कहाँ से बेल्ट आ जाती हाथ में। लेकिन पिटने के बड़े फायदे, मेरे बाप ने मुझे उल्टा लटका कर मेरी अतड़ियों पे इतने मुक्के मारे कि गुर्दे की पथरी मेरे मुंह से बाहर आई है। और मेरी माँ इतनी कसके में उसने छाटा मारा, उसके आधार कार्ड का प्रिंट आउट लेने आए तो मेरे गाल से फिंगरप्रिंट लिए। बेटे मेरे बबलू, मेरे बेटे मेरे बबलू, मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे माँ पाए लगू। कुछ होना हो बेटे, आज तुम्हारे पापा का इंक्रीमेंट होगा, मतलब होगा। कैसे होगा? देखो ना आजकल कुछ भी हो रहा है, कोई भी बिग लॉस जीत रहा है, कोई भी होस्ट कर रहा है। हंस क्या रहे हो, यहाँ देखो कोई भी मालकिन हो रहा है। इतनी सारी अनशन बात होते ही तो तेरे पापा का इंक्रीमेंट होगा मतलब होगा। एक तो वो नॉन डिजर्विंग है, ऊपर से कामचोर भी है। लेकिन देखिए हाँ। इस तरफ मेरे पति है और इस तरफ ये नालायक बेटा है जो 3 साल की ग्रेजुएशन में 7 बार फेल हो चुका है। थैंक यू माय लॉर्ड। हेलो हेलो भाई, फोन उठा के बात किया करो मेरे से। हाँ कैसे नहीं होगा इंक्रीमेंट, कैसे नहीं होगा, क्या मेहनत करनी होती है, लॉजिक दे रहे घटिया लोग। यार ये देखना जरा कैसी बातें कर रहे जानू, कह रहे 30 दिन ऑफिस आओ एक ही दिन सैलरी देंगे, कोई तरीका है ये? दूर रहो हमसे, जब तक इंक्रीमेंट नहीं मिलता मुझे हाथ मत लगाओ। ये तो फिर बीवी वाली बात ही नहीं हुई। क्या? नहीं, मेरा मतलब है ये तो टीचर वाली बात हो गई ना कि तुम अच्छे नंबर लाओगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। मैं बता रहा हूँ तुम दोनों को, साजिश रच रहे मेरे खिलाफ, जलते हैं मुझसे ऑफिस में सारे। अरे झूठे बाप, क्या झूठ बोलता है, ऑफिस में 2 ही लोग है, एक तू है और एक वो 80 साल का बुड्ढा जो खुद जलने के कगार पे, वो तुझसे क्या जलेगा। नहीं भाई एक सेकंड, इसका किस हिसाब से बोलना बनता, इतना निकम्मा बेटा है मेरा, मैं आपको बताऊं अगर मैं अपनी स्किन पे ऐसे कर लूं इससे ज्यादा मार्क्स आते हैं मेरे। क्या बात है, क्या बात है, कितने परसेंटेज आए बोलो, कितने परसेंटेज आए? अरे एक मिनट रुको, मैसेज आया है। वो माँ क्या, मैं फर्स्ट आ गया माँ। कितने परसेंटेज मिले? परसेंटेज गया भाड़ में, 30 रुपए जीता मैं। नालायक, निकम्मे, बदमाश। माँ, तुझे पैदा करने से अच्छा होता मैं मार्केट जाती और वो चिप्स का पैकेट खरीद लाती। 90% हवा होती है लेकिन 10% तो चिप्स खाने को मिलते ना बेटा। क्या बात, क्या बात कही है। वाह, बिना बात का टाइम वेस्ट करने का मजा ही आ गया। एक तो मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रहा, बच्चा जवान है, बाप जवान है, ये कब बुढ़ी हुई? क्योंकि मैं तुम दोनों से पक गई हूँ। क्या बात है, क्या बात है।
मैसेज आ गया है, हो गया जी, हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। बताइए कितना इंक्रीमेंट आई है, बताइए। पूरा 40% इंक्रीमेंट हुआ है रमेश का। मेरा क्यों मारा? क्योंकि मैं अपने पति पे हाथ नहीं उठा सकती। तुम अच्छे रिजल्ट और तुम इंक्रीमेंट नहीं लाए ना तो तुम दोनों को मैं देख लूंगी। हाँ। मैं आपको क्या कह रहा था पापा, इस बार मेरा रिजल्ट नहीं आया ना, आपका जूता मेरा सर। और अगर इस बार मेरा इंक्रीमेंट नहीं हुआ, मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा किसी को। हेलो, क्या कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मेरा इंक्रीमेंट हो गया। क्या बात कर रहे हो? सही में दीपू, मुझे तो पता क्या बात है। कौन दीपू साले? दीपू दीपू दीपू, पापा जी बोल, पापा जी। ठीक है दीपू पापा जी। और मैं तेरी तरह नहीं हूँ कि बीच बीच में ओ सीधा मारूंगा। अरे मैंने कब किया? जिस दिन का मुझे इंतजार था वही हो गया बेटे मेरे लल्ला, मैं जानती थी। मेरी सैलरी 50,000 से 60,000 हो गई। और इसकी 1,00,000। गेम टेस्टिंग वालों ने इसे 1,00,000 महीने पे काम पे रख लिया है। मुझे पहले से पता था ये बहुत बड़ा काम करेगा, अपनी माँ की तरह। देखा, सिर्फ माँ की तरह दिखता है ना, वही एक मुंह, दो हाथ, दो टांगे, 1,00,000, दो आंखें, सेम सेम टू सेम दिखता है ना। हाँ, मैं तो ऑक्टोपस हूँ। क्या परफॉर्मेंस था, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर इंदर, हिमांगी एंड सिद्धार्थ भाई। दोस्तों, हमारे देश की हर गली में ना अतरंगी टैलेंट है, लेकिन उस अतरंगी टैलेंट को देखने के लिए ना चाहिए एक मैडनेस का लेंस, जो सिर्फ हमारे शो पे मिलता है। तो बढ़ाते हैं मैडनेस का मीटर और बुलाते हैं आज का अतरंगी टैलेंट, जो दुनिया का सबसे रंगीन आदमी है। सो प्लीज वेलकम ऑन स्टेज सूर्य भान। ये क्या है? Ew. होली में जो लड़के बाहर बाइकों पे रंग नहीं खेल के निकले। अब ये बताओ इनमें से कौन क्या है? ये राइट वाली तुमने हुमानी, तुमने कुरेशी बना दिया। और भाग्यश्री में तो मुझे लगता है इसको हिमालय दिखाई दिया, हिमालय जी बना दिया। पेंटिंग करने के बहुत तरीके होते हैं, जैसे लोग करते हैं ब्रश से, मतलब जैसे आप पेंटिंग कर सकते हो, तो ये स्पेशली जीभ के साथ पेंट करने का आपको ख्याल कैसे आया? वो क्रेजी लोग के दिमाग में आ ही जाता है ऐसा। क्या बात है। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें इस टैलेंट का पता कैसे लगा? ऐसा तुम क्या चाट रहे थे कि तुम्हें पता लगा? आप कभी मेकअप आर्टिस्ट बनने का तो नहीं सोचे है ना? नहीं नहीं। और क्या, ऐसे मेकअप रूम में घुसे एक लड़का चाटने में। और सुनो भाई, एक सवाल ये है कि जो जो काम हाथ से किया जाता है वो सब तुम जीभ से करते हो क्या? नहीं नहीं ना, ना, ना। ये चौपाटी पे गोला हाथ से चाटता है। मैं तो कहती हूँ जिसको प्रॉब्लम एक बार ट्राई कर लो आके। बिल्कुल। और मैं कहता हूँ कि आपको अगर एक कैनवास चाहिए, एक खाली कैनवास इधर भी है, आप कुछ बना दीजिए। मैं डाई कराने आया हूँ, आई एम डाई हार्ट फैन। कैसा लग रहा हूँ मैं? ऐसा लग रहा सूरज पे ग्रहण आ रहा है। आपसे मिलके बड़ी खुशी होती अगर आप ये काम नहीं करते ऐसा। जोरदार ताली हमारे भाई के लिए, क्या बात है। भाग्यश्री जी, बट हमारे शो का दस्तूर ये है कि जो मेहमान आता है उसको मेहमान नवाजी का हम भी मौका देते हैं। अच्छा। और हमने अगर आपकी एक टांग खींची है तो हम चाहते हैं आप हम सबकी दोनों टांगे खींचते हुए हिमालय के पार तक लेके चले। कम ऑन, इतना बढ़िया मौका मैं कैसे छोड़ सकती हूँ।
अब देखो राजा का प्रकोप। इन सब का मुझे बुरा नहीं लगा, मैं बताऊं क्यों? क्योंकि मेरी फिल्म का जो कबूतर था, मैंने प्यार किया का कबूतर, वो इन लोगों से ज्यादा फेमस है। ट्रू है, फैक्ट। वैसे आपका टैलेंट बहुत बढ़िया है, मानना पड़ेगा। आपने बॉलीवुड की कई फिल्मों को इंस्पायर किया है, पता है कौन सी? शाहरुख ने तो हर्ष के करियर पे पूरी एक फिल्म बना दी, जीरो। और सिद्धार्थ के लिए शाहिद ने भी बनाई, पता है ना कौन सी? कौन सी? कमीने। और पारितोष, कलंक देखी है ना? पर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और बहुत बहुत अच्छा लगा, रोस्ट भी और टोस्ट भी। क्या बात, थैंक यू सो मच। क्या बात है, पुमा, आई लव यू। आई लव यू टू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो लवली, सो अमेजिंग एंड जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो आज की मैडनेस सेलिब्रेशन को लगाते हैं यहीं ब्रेक, अगले हफ्ते फिर लौटेंगे रात 9:30 अपनी मैडनेस की महफिल लेकर। तब तक के लिए इंडिया को हमारा मैडनेस वाला सैल्यूट, और देखते रहिए मैडनेस बचाएंगे, इंडिया को हंसाएंगे। सी यू, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।